ठीक है, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग वीडियो में तो स्वागत है दोस्तों। मैं अभी निकल चुका हूँ, सुबह के 6 बज चुके हैं और आज हो गया लेट भाई, 3 घंटे लेट हो चुका हूँ। तो देखते हैं आज की कितनी अन्य उम्र है, बताऊँगा पूरे ब्लॉग में, आप लोग बने रहना। मैं गाड़ी के पास आ चुका हूँ और चलते हैं, अब काम स्टार्ट करते हैं। पानी वानी की बॉटल भर लिया भाई। दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मैंने एक कल माइक खरीदा है, अब वो जो है आज से इसी माइक का वॉइस आएगा। अभी दिखाता हूँ, टाइमिंग लगभग लगभग 6+ हो चुका है भाई। रात को वीडियो अपलोड करने के चक्कर में लेट हो गया, लेट होने के चक्कर में भाई हो गया गड़बड़। तो दोस्तों ये लिया है मैंने माइक डिजिटेक का, आप गैस करो कितने का होगा ये। तो आज से इसी का वॉइस आप लोग को माइक में देखने को, वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बाबा को करते हैं जय श्री श्याम, जय हो बाबा विश्वकर्मा। और दोस्तों हम निकलते हैं काम पे, गाड़ी पे कपड़े मार दिए मैंने और पहले तो CNG लेने जाएंगे। CNG नहीं है गाड़ी में, कल 272 की नोट गाड़ी चली थी, है ना। तो मैं फाइनली CNG पंप पे आ चुका हूँ। जैसे आपको बताया 5:30 से 6 बजे तक CNG पंप बंद होता है, लेकिन 6 बजे के बाद आया हूँ तो अभी CNG डलवाते हैं, देखते कितने का आता है। जैसे आप देख सकते हो तो मेरा CNG डल रहा है, देख रहा हूँ फुल प्रेशर है। तो अभी देखते हैं क्या होगा, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को, है ना, फिर बताता हूँ आप लोगों को एक अपडेट, काम स्टार्ट करेंगे फिर बताएंगे आप लोगों को। दोस्तों CNG डलवा के 512 रुपये का CNG डल रहा है। अब करते हैं ड्यूटी ऑन, हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। अब कहाँ गया ऊबर, देख सकते हो। अभी माइक को मैंने चार्ज में लगा रखा है, अभी ये देख सकते हो ये है चार्जिंग, ये 80 हुआ पड़ा है, अभी 100 हो जाना तो फिर लगाएंगे आप लोगों का। तो जय श्री श्याम बाबा। और आज जो रैपिडो भी ऑन कर दिए और नामा यात्री तो रहता ही है, नामा यात्री को भी कर दो भाई, नामा ले रहा। और ये अपनी कार्ड है, जब जब समय मिलता है तब बांटता रहता हूँ, है ना। जब कस्टमर कोई मांग लेता है दे देता हूँ, तो आप लोग को भी छपवानी चाहिए ऐसे, है ना। नामा यात्री भी ऑन ही है। तो देखते हैं दोस्तों अब किस में सबसे पहले ड्यूटी आएगी। तीनों का आइकन आ चुका है, जो मैंने कल काम किया था वो पेमेंट ऑनलाइन था, वो ऑनलाइन पेमेंट 0 हो चुका है, सेटल हो गया कंपनी ने। 1289.39 रुपये सेटल कर दिए ये इन प्रोसीजिंग इन पेमेंट, ये देखो ना लिखा हुआ ना। तो अभी आ जाएगा 4:41 पे किया है। चलिए मैं CNG पंप पे हूँ, गाड़ी वाड़ी साफ हो चुका है बाहर बुराड़ी का। अब देखते हैं यहाँ से कितने बजे आता है भाई, चलते हैं थोड़ा संतरगढ़ के अंदर। देख रहे हो ये सामने एक गाड़ी लगा के सो रहा है बंदा, एक गेरा लगा के सो रहा है। और पहली बुकिंग देखो 100 रुपये से स्टार्ट हुई है, नहीं उठाना है भाई, कम से कम 150 से 200 रुपये की बुकिंग होनी चाहिए तभी उठाएंगे। दोस्तों पहली बोहनी और पहली राइड स्टार्ट हो चुकी है रैपिडो से, रैपिडो ने आज खाता खोला है हमारे अकाउंट का। तो दोस्तों अभी कनाड़ प्लेस की तरफ जाएंगे, वहाँ जाना नहीं चाहिए बट क्या हुआ ना कि वहाँ पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि पहली बोहनी आ चुकी है रैपिडो से। देन आपको मैं बताऊँ कि रैपिडो से पहले उबर में भी कई सारे बुकिंग आया, तो भाई वो पता नहीं लोग कितने एक्टिव है यार, क्लिक करने से मतलब मिनट्स और एरिया देखने से पहले ही वो मतलब उठ जाता है यार, कमाल है लोगों की। तो दोस्तों ये हमारे बुराड़ी का हाल है, देख सकते हो मजबूरी है भाई यहाँ बुराड़ी में अपना पिकअप करना, क्योंकि अपन रहते ही इधर है यार, क्या कर सकते हैं। तो अभी ये सामने हनुमान जी के मंदिर से करीबन उस वाले पीछे वाले रोड पे पिकअप है, मेरे घर वाले जिधर जाते उधर से, है ना। तो चलते पहले ड्यूटी कम्प्लीट हो चुकी है दोस्तों, जैसे कि मैं लेडिंग वेडिंग के ये देख सकते हो बोर्ड, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर बुराड़ी से। 293 रुपये का बिल बना, गाड़ी लगभग लगभग चली थी 20 किलोमीटर, तो कस्टमर में कोई प्रॉब्लम नहीं, रेटिंग डाल दो। अब देखते हैं यहाँ से चलते थोड़ा सा आगे इधर की तरफ सामने, और फिर देखते हैं क्या बचता है बुकिंग। भाई मेरे साथ रैपिडो कर रहा है मजाक, पता है क्यों, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये देखिए कैंसिलेशन फीस मिला है मुझे लास्ट ऑर्डर का, ठीक है। ये कस्टमर एक बुक किया था 5 सवारी 4 बच्चे और जाना है कहाँ, सराय रोहिला रेलवे स्टेशन, यहाँ से 186 रुपये लगभग दिखा रहा था मुझे, ठीक है। मैं आया और उसके बाद आने के बाद दोस्तों
पूरी गाड़ी की बैंड बजा दी, गंदी कर दी, देख रहे हो दोनों साइड, ये देख सकते हो। एक तो भर गया, ऊपर से कहते हैं भाई मैं तो जाऊंगा, मैंने कहा मैं ना लेके जा रहा, जिसके बाप में दम में बुला ले, हरियाणा का था भाई, अब उसको क्या समझाए, प्यार से बोला कि मैं 5 सवारी अलाउ नहीं है भाई, और प्लस 4 बच्चे हैं दोस्तों। तो इस अब देखते हैं ऊबर की बुकिंग आ गई है, देखते हैं वेट करते कौन कौन आता है कस्टमर खरे खरे। वहाँ पे गया था क्या बोलता है आयुर नगर, वहाँ से यहाँ आया हूँ अपना करकेडुमा। तो देख सकते हैं रैपिडो में 16-17 किलोमीटर गाड़ी चली है, 257 रुपये का बिल बन चुका है। अब यहाँ से इसको करते हैं कंप्लीट, और उसके बाद रेटिंग भी अच्छा डालेंगे, क्योंकि मैडम ने हमारे साथ कोई व्यवहार गलत नहीं किया, अगर गलत करता तो उनको मैं गलत का रिव्यू डालता। तो रैपिडो में इतना काम हो चुका है। अब हमारे पास एक बुकिंग आ गई है जनपद छोड़ने का, मतलब पटियाला आउट कोस्ट है, तो ये है जनाब, इसको भाई 2 किलोमीटर का 94 रुपये, अरे नहीं जा रहा भाई 2 किलोमीटर, ऑनलाइन पेमेंट है इस भाई साहब का। तो देखते हैं अभी 1 किलोमीटर दूरी है, ग्रीन कलर का रेड जल रहा है भाई, चलते हैं पिकअप करने, है ना। तो दोस्तों ये ड्यूटी भी हो गई कंप्लीट, छोड़ दिया इनको, रेटिंग डाल दिया। अब दूसरी ड्यूटी आ गई है प्रीमियम में, पादरा पारक गेट इंडिया गेट से, तो चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। और ये भी भाई ऑनलाइन ही है, क्या हुआ फोन तो नहीं, देख लो आप एक बार चेक कर लो भाई। अभी जो कस्टमर ड्रॉप किया ना, कसम से यार मेरे को तो फंसवा देता, कह रहा भैया फोन मेरा यहीं छूट गया, हद है यार, फोन रखे थैले के अंदर और मेरे को कह रहे कि भाई ऐसे ऐसे। खैर भाई मैं वहीं था, गया नहीं था कहीं आगे पीछे, तो मेरे नाम का भी एप्पल का नाम ब्रांड का लोगो लग जाता मेरे ऊपर कि चोर है, मतलब कस्टमर कुछ भी बोल दे यार ड्राइवर को सहना पड़ता है भाई, ये बात हकीकत है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं दूसरे पिकअप पे जा रहा हूँ, जहाँ जो ये जनपद पे मतलब इंडिया गेट पे ही है, तो आप देख सकते हो ये VIP रोड है, मतलब VIP जोन है, यहाँ ट्रैफिक लगने का तो नाम और निशान नहीं है, काश हमारा रोड भी ऐसा होता। ये किसका है, हंसराज गंगाराम पहौर जी का MP जी का फ्लैट है यहाँ पे, कृपया पीछे धीरे चले, ऐसा कुछ लिखा हुआ है पंडारा रोड पे, देख रहे हो भाई आप। अगर आपको मैं बता दूँ, आप लोग रोड पे ये चलते हो ना खास करके, तो ये आपको पीली पट्टी दिख रही है राइट में, उधर से गाड़ी आते हुए बीच में एक पीली पट्टी दिख रही है, इसका मतलब भी बैरिकेड होता है, ध्यान रखना, अगर इसको क्रॉस करते हो तो चलान पूरा पूरा राइट है कटने का, इस बात का खास ध्यान रखे। तो भाई मैं आ चुका हूँ उद्यान भवन, क्या है ये गेट पे जहाँ पिकअप होना है मेरा, यही मैडम जाएगी क्या, हाँ यही मैडम जाएगी भाई, नोएडा प्रीमियम राइड है। तो दोस्तों मैं फाइनली कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है, PTM का ऑफिस था सेक्टर 98 में, प्रीमियम में था। अब इसको ऑनलाइन पेमेंट था, कुछ दिखाएगा नहीं अपने को, ठीक ही था कस्टमर, रेटिंग भी डाल दिया। अब देखते हैं क्या नोटिफिकेशन दे रहा है, वाई ट्रिप रेंटल कैंसिल ना कर रहा है, भैया रेंटल का रेट तो देख लो पहले क्या आ रहा है आपके साइड से। तो दोस्तों अभी तक का जो काम हो चुका है, टाइम देख लो, ऊबर में 3 ट्रिप किया अपन ने, 255 रुपये दिए यहाँ का आने का, और वॉलेट में ऐड कर दिया होगा इसने स्टेट टैक्स वगैरह, 500 कुछ रुपये ऐड कर चुका है, 655 और 511200 काम हो चुका है दोस्तों, टाइमिंग आप लोगों को पता ही है। अब देखते हैं दोस्तों, तो मैं अभी नोएडा सेक्टर, जैसे कि आपने देखा PTM ऑफिस के बाहर छोड़ा, और वहाँ छोड़ने के बाद दोस्तों मैं अभी सौ की तरफ जा रहा था, तो कुछ भाई लोग हैं यहाँ पर, करीबन मैंने अभी वेज बिरयानी खाया, ये देख रहे हो आराम फरमा रहे हैं भाई साहब, फिर कहेंगे काम नहीं है, अरे यार सोचने वाली बात है। ये देख सकते हो कि ये भाई गाड़ी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, काफ़ी गाड़ियाँ हैं, और कुछ भाई इधर भी है जो बिरयानी पता नहीं क्या खा रहे हैं, ये देखो मज़े ले रहे बैठ के, फिर कहेंगे काम नहीं है भाई, काम करने से होगा ना मेरे भाई। तो दोस्तों आपका भाई मेहनत करने में लगा है, और जिस भाई को कदम से कदम मिला के चलना है ना, आ जाओ हमारे साथ, तो भाई मेहनत करो और कमाओ खाओ और खाने दो। तो दोस्तों नोएडा में काम नहीं करना है तो आप नोएडा आकर के बैठ सकते हो, जिधर नज़र जा रही है लेफ्ट राइट में,
आप देख सकते हो लेफ्ट में भी गाड़ी दो तीन खड़ी है उधर, बड़े आराम फरमा रहे भाई साहब। क्या कमानी है यहाँ की भाई, अपना तो वसूल है, जब तक अपना टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक नहीं आराम फरमाएंगे। फरमाएंगे समय देख करके, जब काम बिल्कुल डाउन हो जाएगा, लगेगा कि मार्केट में काम नहीं है तब। जैसे देख सकते हो दोस्तों दोनों साइड देखो आप गौर से, आपको दोनों साइड दिख जाएगा गाड़िया ही गाड़िया गाड़िया ही गाड़िया। ये देखो लेफ्ट में देख रहे हो, फिर कहेंगे भाई काम नहीं है। अरे भाई कौन सी दुनिया में घूम रहे हो, काम की कमी कोई नहीं है, करने वाली कमी है, ठीक है। तो भाई देख सकते हो भाई हद है, चलो कोई नहीं जैसी जिसकी मर्जी। दोस्तों काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरे पास एक राइड आ गई थी नोएडा सेक्टर 100 से, 100 में ही खड़ा था मैं काफ़ी देर बैठने के बाद, सीधा फरीदाबाद गुरु अपना सेक्टर 24। जैसे कि आप देख सकते हो मैं उनको छोड़ करके मैं सीएनजी पंप पे आ गया हूँ, क्योंकि सीएनजी अपन गई गाड़ी पी, गाड़ी चली गई अभी तक 137, ठीक है 137 चल गई है। और काम की बात करें दोस्तों तो आपको दिखाते रहते हैं 1053 और ये देखो 569, मतलब 1622 रुपये टोटल काम हुआ है दोस्त। और बाकी देखते हैं यहाँ का जो रेट है भाई, प्रेशर तो ठीक है, रेट होगा कम से कम 90 रुपये के आसपास में। तो दोस्तों मैं फाइनली अब वो समय आ गया घर जाने का। जैसे आपको पता है कि भाई मैं आपको लास्ट में अपडेट देता हूँ, तो दोस्तों देख लो ये ऊबर का काम है और भाई रैपिडो में भी कुछ काम किया हूँ। तो रैपिडो को मैं बता दूँ 600 रुपये काम हुआ, जैसे मैंने आपने सुबह दिखाया भी था। तो दोस्तों मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं पहुँच गया फरीदाबाद, फरीदाबाद से भाई एक ड्यूटी, काफ़ी देर बाद एक ड्यूटी मिली मुझे दक्षिणपुरी की। भाई दक्षिणपुरी से फिर मेरे साथ सीन क्या होता है कि दक्षिणपुरी वाले कस्टमर पेशेंट थे भाई, किसी तरह उनको हैंडल करते हुए पहुँचा मैं दक्षिणपुरी। तो दक्षिणपुरी खड़े जहाँ ड्रॉप किया वहीं से एक ड्यूटी बजी मंगोलपुरी, तो मंगोलपुरी लेके आ गया। अब भाई मंगोलपुरी लेके आ गया तो जहाँ ड्रॉप करा वहाँ से 2 किलोमीटर आगे से दिखा रहा था मॉडल टाउन जाने के लिए पुलिस स्टेशन। जब वहाँ गया तो पुलिस वाला बंदा भाई, तो उसको रेड छापा मारने गया था कहीं बंदा, और उसके साथ डॉगी, और वो कहता भैया डॉगी भी जाएगा। मैंने कहा यार अब वर्दी वाली बात है, इज्जत तो रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। मैंने बिछा दिया वहाँ पेपर सेपर और मैंने कहा चलो भाई ठीक है, मॉडल टाउन ड्रॉप कर दिया दोस्तों। टोटल अपने 2146.38 ऊबर में और उसमें 600, मतलब 2750 रुपये मोटा मोटी समझ लो काम हुआ है आज का। और सीएनजी की बात करें तो देखो दोस्तों अभी से रिजर्व नहीं लगा है सीएनजी, ठीक है रिजर्व नहीं लगा, मतलब अभी 30-40 किलोमीटर का सीएनजी है, मतलब 300-400 का काम कर सकते हैं अपन। जाम मिलने की वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों और सीएनजी की बात करें तो मैं फरीदाबाद में डलवाया था सुबह, तो 500 कुछ रुपये डलवाया ही था, और वहाँ डलवाया था दोस्तों 400 कुछ रुपये था, 412-13 रुपये ऐसे था। तो फिर क्या हुआ कि उसमें से ये सीएनजी बच गई, 900 कुछ रुपये की सीएनजी में इतनी सीएनजी बच गई, मोटा मोटी वही 1800 से 2000 रुपये बचे उसमें ईएमआई के पैसे जोड़ करके। तो ये आज की प्रॉफिट हुई दोस्तों, और आप लोग को मैंने जैसे दिखाई दिया हूँ तो खैर चलिए कोई नहीं, आप वो कल के अपडेट देते हैं। बाकी कल से भाई वो मायापुरी वाला फ्लाईओवर बंद रहेगा, तो जो भाई उस रूट पे चलता है एयरपोर्ट वाले, तो भाई एक महीने के लिए फ्लाईओवर पीडब्ल्यूडी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ये रूट बंद रहेगा, तो आपको सोच समझ कर निकलना है, ट्रैफिक बहुत भरमार बढ़ेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद जय भारत।